दीपावली के एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती कर आम लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाई। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ही राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के वैट की दरों में कटौती करनी शुरू कर दी। लेकिन देश में अभी भी 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर अब तक वैट की कमी नहीं है, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने आलोचना की और तेल की ऊंची कीमतों को लेकर उन पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर केंद्र पर हमले कर रहा है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाया है तब उन्होंने अपने अपने शासन वाले राज्यों में वैट क्यों नहीं घटाया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती कर चुकी है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले के बाद देश के 22 राज्यों ने वैट में कमी की है, जबकि 14 राज्यों ने अभी तक कोई कटौती नहीं की है। इन 14 राज्यों में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, उड़ीसा, झारखंड, केरल, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। तो वहीं इस पर बीजेपी पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पार्टी शासित राज्यों ने केंद्र द्वारा आम आदमी को दी गई राहत को और अधिक बढ़ाने के लिए ईंधन पर वैट घटा दिया, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल शासित राज्यों ने ऐसा नहीं किया। भाटिया ने आगे कहा कि यदि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों ने लोगों को राहत दी है तो फिर कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं दे सकते। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।